तक आ चुके हैं हम वापस, और अभी आज क्या सीखे? सबसे पहली चीज, जो क्यूट छोटे छोटे दो बच्चे मेरे साथ खड़े हुए, पहली चीज़ तो हम ये सीख रहे हैं आज के बच्चे हैं तो क्या हुआ, आप अपने टैलेंट का मुजाहरा कर सकते हैं, इंतहाई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में अपने बच्चों को लगा सकते हैं। ये दो बच्चे इस बात का प्रूफ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे साथ कौन मौजूद है और क्या खूबसूरत आर्ट ये बनाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फरीहा काशिफ, हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उस्मान, कैसे हैं उस्मान आप? ठीक हूँ। ठीक है, ओके। उस्मान लगता है ज़्यादा एनर्जी में। यहाँ पे क्विलिंग आर्ट क्या आर्ट है? ऑनेस्टली मुझे आज सुबह कल रात में पता चला कि क्विलिंग आर्ट भी कोई चीज़ होती है। पेपर इसमें इन्वॉल्व है, कुछ फोल्ड करते हैं। ये खूबसूरत यहाँ पे कीचेन्स आप देख रहे हैं, रिंग्स देख रहे हैं, फ्रेम्स देख रहे हैं। सो मुझे कौन बताएगा उस्मान और फरिया में से कि ये कैसे बनता है? ये हम लोग क्विल करके बनाते हैं। हम लोग का अगर रेनबो किचन बनानी होती है तो हम लोग बहुत सारे स्ट्रिप कोने कोने से जोड़ जोड़ के बहुत लंबा कर लेते हैं। उसके बाद जब हम लोग उनको क्विल करते हैं तो एक राउंड शेप में ना वो आ जाता है। कलरफुल, अलग अलग। और आपको किसने सिखाया? ये हमारी मम्मा ने सिखाया। मम्मा ने सिखाया। अच्छा, पहले किसने सीखा, फरिया ने सीखा, उस्मान ने सीखा? दोनों ने एक साथ सीखा। कौन ज्यादा अच्छा करता है ये तो बता दो। दोनों अच्छा करते हैं। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि ये आप दोनों ने ये सब कुछ बनाया हुआ है? यस। वाओ, तो आप लोग अपने घर के लिए बनाते हो या फिर आप लोग का कोई छोटे छोटे बच्चों का कोई बिजनेस भी है? हमारा बिजनेस है। बिजनेस है, क्या नाम है इसका? लिटिल फन कार। लिटिल फन कार, ओके। लिटिल फन कार इज सो कूल। आप इनको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पेज है। वेरी गुड। अच्छा जी, चलिए आप हमें बनाना सिखाएं। सबसे पहले तो आप उस्मान हमें ये बता दो कि ये कहाँ से मिलता है, जिसको आप क्विल कह रहे हैं ना, इसको कह रहे हैं क्विल? ये पेपर स्ट्रिप मिलती है, ये नहीं मिलता। ये नहीं मिलता, ये बनाते हैं। ये बनाते हैं, ठीक है। फिर आप मुझे ये बता दो कि इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप कह रहे हो कि ये हम बनाते हैं और फिर ये क्या चीज़ है? ये इनका असेंबल करने के लिए। असेंबल करने के लिए, और हम देखते हैं कि इसको कहते क्या हैं। ये कुछ रिंग्स सी मुझे लग रही हैं। ये आपकी मामा ने कहाँ से मंगवाई होंगी? ये नॉर्मल शॉप से मिल जाती है। ठीक है, नॉर्मल शॉप से मिल जाती है भाई। और ये क्या चीज़ है पिंक कलर की? ये क्विलिंग टूल है। क्विलिंग टूल है। फिर साथ में हमारे पास ये एक स्क्रू ड्राइवर है ना, ये इसको क्या कहते हैं, इसकी प्लायर है। यस, हमारे साथ प्लायर है। और ऐसी ही एक और किट है हमारे साथ। और ये क्या चीज़ है? ये है पेपर स्ट्रिप्स। ये भी पेपर स्ट्रिप्स है, ठीक है। आप एक काम करो कि आप बनाना स्टार्ट कर दो और हम आपसे देख देख के सीखेंगे कि किस तरह से बनता है ये। ऑल राइट, यहाँ पर पेपर स्ट्रिप्स निकाल रहे हैं उस्मान एंड फरीहा, और फरिया ने अपना टूल जो है वो पकड़ लिया है। जबरदस्त, ये हम लोग घर से जोड़ के लाए थे। यहाँ पे दिखाना, यहाँ पे बहुत देर लग जाती है। अच्छा, बहुत देर लग जाती है इसलिए आप लोग घर से इसको करके लाए थे। ये देखें, यहाँ पे ये रेड पेपर स्ट्रिप, ठीक है, जुड़ी हुई है। किसने जोड़ी वैसे, आप दोनों में से? दोनों ने जोड़ी, पर इसने जोड़ी थी। कैसे कैसे जोड़ते हैं इसको? ये देखें, पे ग्लू लगाते हैं, उसके बाद दूसरी स्ट्रिप जोड़ देते हैं। ओके, ग्लू से जो है ये दो स्ट्रिप्स आपस में जुड़ी हुई हैं। और इसको ध्यान ध्यान से निकालना है कि ये फटे नहीं, ठीक है। मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। और ये इसको पूरे को खोलना है उस्मान? यस। ठीक है, पूरे को खोलना है। और फरिया, आप भी यहाँ से इसको खोल दो, यहाँ पे मैं आराम से आराम से। अच्छा जी, और आप जो हमें बनाना सिखाओगे वो ये है, राइट? ये बनाना सिखाओगे, ठीक है। ये चीज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाली, ये वाली कीचेन बनने वाली है। अमेजिंग, लेकिन कलर अलग है। कलर अलग है, ठीक है, कलर अलग है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, हमने इसको खोल दिया, अब हमें क्या करना है? अब क्या करेंगे, इसको हम खोल देते हैं। अब आप मुझे ये भी बता सकते हो, अगर आप दोनों को मेरी मदद चाहिए हो, आज तो मैं वाकई लिटरली सीख रही हूँ। जी बच्चों, अब क्या होगा यहाँ पे? अब हम लोग ये जो स्ट्रिप है, इसको क्विलिंग टूल के बीच में गैप है, ठीक है, यहाँ पे इस साइड पे लाके थोड़ा सा हाथ यूं करके दिखा सकते हो? हाँ, ये हम लोग यहाँ पे डाल दिया हमने, ठीक है। फिर क्विल, उसके बाद ये क्विल करना शुरू करते हैं। हम यहाँ पे इनको फोकस करती हैं कि
अपने फिंगर्स से पकड़ के उन्होंने प्रेस किया और क्विलिंग टूल से वो उसको रोल कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। बच्चों के छोटे छोटे हाथ होते हैं तो बहुत ही ये फिनेस के साथ बना रहे हैं। आई होप हम भी फिनेस के साथ बना सकें छोटी छोटी फिंगर्स के साथ। हाँ ये क्या आपने तो बना लिया पर यार, एक दिखाओ यहाँ पे दिखाना, रख के लग सकते हैं इसको यहाँ पे। इसमें ग्लू लगेगी। ग्लू लगेगी, ठीक है। ग्लू ये वाली आप इस्तेमाल करोगे? यस। सही है, सही है। यहाँ पे ग्लू का यूज़ करेंगे, बेशक यहाँ पे रख के कर लो, नो प्रॉब्लम। अच्छा इसको अभी फरिया ग्लू से चिपका रही है, फिर आपको दिखाते हैं कि अभी अभी इन्होंने क्विलिंग टूल की मदद से क्या बनाया है। वाह, थोड़ा सा उन्होंने फिंगर से लेके साइड पे लगा दिया। एंड इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप और से देख सकें। अच्छा जो ग्रीन बना रहे थे ना वो क्विलिंग जो उस्मान कर रहे थे उसमें उन्होंने जो है वो उसी के साथ येलो वाला भी चला दिया। फिर उसको इसको प्रेस करेंगे। फरिया ने ब्लू वाला बनाया है छोटा और उसको प्रेस कर रही है। अच्छा जी, सो यहाँ पर इसकी शेप भी कोई भी दे सकते हैं। इसको निकालो उस्मान, इसको हम निकालते हैं येलो वाले को जब तक उस्मान वहाँ से रोल कर रहे हैं। एंड दिस इज सच अ गुड एक्टिविटी कि आपने बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये आपने एक नई ये नई शेप कोई बनाई है? यस, ये लीफ शेप है। लीव शेप है, यस। यहाँ पे फरिया मैं ना इसको ऐसे रखती हूँ कि आप सबको दिखा सको लीव शेप। दिस इज अमेजिंग। फरिया आप कितने टाइम से बना रही हो ये? कितना टाइम हो गया? वन मंथ, टू मंथ? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर, वन ईयर से बना रही हैं आप? और आप भी? यस, हम लोग एक साल से बना रहे हैं। एक साल से? अच्छा कैसे स्टार्ट हुआ था? मामा ने क्या बोला था कि आओ मैं कोई नई चीज़ सिखाती हूँ आपको? के नाम से पेज आप इनका चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये तो बता दो दोनों के कितने लिटिल हो, आपकी एज क्या है? ना, ओ माय गॉड, 9 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में बच्चे कितना मज़े का काम कर रहे हैं। सो कंस्ट्रक्टिव एंड नॉट ओनली दैट, इट्स अ बिजनेस। लिटिल फरकार को आप लोग, मैं लिटरली ये नहीं कहूँगी कि आप सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस ऐसी चीज़ को इंजॉय करना हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। आप अपने घर का पार्ट बना सकते हैं, किचन्स किसी को गिफ्ट कर सकते हैं लेके, ये फ्रेम्स आप घर पर जो है वो हैंग कर सकते हैं जो कि हमारे लिटिल फनकारों ने बनाई है। वाह क्या बात है। अच्छा यहाँ पर ये वो रोल कर रहे हैं। अच्छा देखिए ये साइज़ है जिस साइज़ को हमें अचीव करना है बेसिकली। सो अगर छोटा भी बन जाए उस्मान तो कोई मसला नहीं है, बस हमें थोड़ा सा इसको कंप्लीट करके दिखाना है। तो अगर आप चाहो तो छोटा भी बना के छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। इस पूरे थ्रेड को हमने इस्तेमाल करना है, पूरी स्ट्रिप को इस्तेमाल करना है ना? ये सारी अलग अलग स्ट्रिप्स हैं। हाँ, ये सारी अलग अलग आती हैं, हम लोग इनको जोड़ते हैं। ठीक है, आपने इसको जोड़ा और अभी आप इन सारों को मिलाकर जब ये सारी मिल जाएंगी तो फिर ये ऐसी लगेंगी, राइट? यस। ठीक है, जैसे ग्रीन है, ब्लू है, पर्पल है, येलो है, पिंक है, और ये जैसे कि मुझे अभी फरिया ने बताया था कि आपने ग्लू से इसको जोड़ा हुआ है सबको। वेरी नाइस। अच्छा फरिया अपना ही मुझे कुछ बना के दिखा रही है। वाह क्या बना के दिखा रही है? जो गोल गोल ओ ये वाला फरिया बना रही है और इसको लीफ की शेप दे रही है। देखिए जैसे ये नीचे हुआ हुआ है ना, ये फरिया ने बनाया, तो ये ऐसे नीचे कहीं लगेगा उसमें? हाँ ये ऐसे यहाँ पे लगेंगे। आहा वाह क्या बात है। ये लीफ किसी स्टेंसिल की मदद से नहीं बने, बच्चों ने अपने हाथों से बनाए हैं। स्टेंसिल भी यूज़ करते हैं? स्टेंसिल भी यूज़ करते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मगर अगर आपके हाथ में फरिया जैसी फिनेस है तो फिर स्टेंसिल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, है ना? अगर हम आपके जितने अमेजिंग हैं, अगर नहीं है तो फिर स्टेंसिल यूज़ कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे उस्मान भी इसको रोल कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि जब आप एक कोई बना लेते हो, जैसे आपने किचन बना ली, उसके बाद ये जो चेन लगाने वाला एक एक्ट होता है, ये आप खुद करते हो? यस। ये भी खुद करते हो? ये असेंबल करने के लिए लाया।
हम लिटिल फनकार सीख रहे हैं कि किस तरह से क्विलिंग आर्ट से आप ये फ्रेम्स बना सकते हैं। यहाँ पे कीचेंस बना के बच्चे दिखा रहे हैं और ये मैं दिखाना चाहती हूँ आपको। तो दिस इज़ अ क्लिप जो बालों में लग सकता है, दिस इज़ अमेजिंग। ब्रेक में मैंने इनकी मदर से पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने यूट्यूब से सीखा एंड उसके बाद जब उन्होंने खुद से करना स्टार्ट किया तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपको गूगल पे भी दिखाई नहीं देते। इट्स ऑल देयर क्रिएटिविटी। और ये भी मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये ब्रोचेस भी, ये यहाँ पे जो चीज़ें रखी हुई है ना, दीज वंस दे आर ब्रोचेस, ये इस तरह आप इसको डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे कौन बताएगा कि ब्रोचेस कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं? ये जीन्स के जो आपके शर्ट्स होती हैं, पैंट्स होती हैं, उनके ऊपर ये बेल्ट के तौर पर ला सकते हैं। और बेल्ट जो होती है उन पर यहाँ पे हम लगा सकते हैं डिफरेंट आप जीन्स पे भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, आप इनसे ये खरीद सकते हैं। लिटिल फरकान का पेज का भी हम जो है वो लिंक यहाँ पे चला रहे हैं। और अब मुझे बच्चों को ग्लू चाहिए। अब यहाँ पे ये देखें अपनी शेप में आने लग गया है जो कि हमारी किचन है। जब आपने ब्रेक से पहले देखा होगा कि जिस तरह से वो स्ट्रिप को रोल कर रहे थे उसकी ये एक शेप आ गई है। फरिया ने हाथ से लीफ की शेप बनाई है और यहाँ पे जो है वो उस्मान ने पूरा उसको अच्छी तरह से रोल कर दिया है और ये हम लोग का बन गया। और ये बन गया। यहाँ पे इसको भी हम फोकस करते हैं, इसको जूम करते हैं कि जो मैं आपको दिखाई थी ना किचन के लिए जो रिंग है ये, इसको अब फरिया इस पर लगा रही है। छोटे छोटे हाथों से मेहनत कर रही हैं। वाह वाह, कितनी कितनी नफासत के साथ ये बच्चे काम कर रहे हैं एंड बच्चों में इतनी एनर्जी दी होती है अल्लाह ताला ने, उसको इतनी खूबसूरत तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। सच एन इंस्पिरेशन फॉर मी एंड आई एम श्योर आप भी सोचेंगे क्विलिंग आर्ट सर्च करें या एक्चुअली लिटिल फनकार पे जाके आप इनकी मदर से ही पूछ सकते हैं। हमारी शो का रेफरेंस दे दीजिएगा कि ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, स्ट्रिप्स कहाँ से मिलेंगी, रिंग्स कहाँ से मिलेंगी, किस तरह से सीखा जा सकता है। अच्छा, अगर हम आपकी मामा से रिक्वेस्ट करें कि वो हमें सिखाएं या आप लोगों से रिक्वेस्ट करें, ऐसा हो सकता है? हम लोग एक ऑनलाइन क्लास रखने का भी कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास रखने का भी कर रहे हैं, उसमें आप दोनों से हम बड़े लोग भी सीख सकते हैं, सिर्फ बच्चे सीखेंगे? जिसको सीखना हो सीख, मैं भी आ सकती हूँ सीखने के लिए। यस, वेरी गुड भाई, ऑनलाइन क्लास भी है तो आप जाकर जो है ना इनकी क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। ज़बरदस्त, ऑसम। और ये कीचेन हमारी किचन, वाओ, ये हमारी किचन फ्रॉम स्क्रैच। वो जो एक लंबा सा आप स्ट्रिप देख रहे थे वो फाइनली अब इस शेप में आ गया है। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताओ, आपने इतनी मेहनत से बनाया फरिया और उस्मान, कि आप जब इसकी प्राइस लिखते हो तो आपको कुछ अंदाज़ा है कि प्राइस क्या है इसकी, कितने में कोई इसको ख़रीद सकता है? एनी आइडिया? 500 में। 500? अच्छा, बड़े होके आपने, मुझे लगता है बिज़नेस को टेक ओवर कर लेना है दोनों ने, है ना? है ना, मामा को कोई बोलेगा कि भाई ये बिज़नेस तो हमारा है भाई, हो गया ऐसा? तीनों का है, वेरी नाइस, क्या बात है। सो इस, बाय द वे, इस हाथ के काम की कोई कीमत नहीं है। दिस इज़ सो 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 ब्यूटीफुल। आप लोग मुझे ये बताओ, जब आप बनाते हो कभी अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करते हो? यस। क्या बोलते हैं वो, यकीन करते हैं आपने बनाया है? किसी फ्रेंड्स ने आपसे सीखा है इसको बनाना? नहीं, हाँ, हमें बनाते हुए देखा है। बनाते हुए देखा है आपको? ओके। और ये एक साल में आपने जो सारी चीज़ें बनाई हैं, ये एक जैसे आप किचन बनाते हो उसमें कितना टाइम लगता है? 5 मिनट? अगर हम लोग जो ये जोड़ते हैं ना इसके स्टिक, उसमें हमारे ज़्यादा मिनट लग जाते हैं, 8 मिनट। हाँ, 8 मिनट ऑलमोस्ट लगते हैं। और इसको कम्प्लीट करते करते अगर हम कहें 20 मिनट, ज़्यादा कम? कम लगते हैं। वाह, 15 मिनट। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फरिया आपका, उस्मान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लिटिल फनकार के पेज पे जा सकते हैं, ये चीज़ें आप इनसे ख़रीद सकते हैं। मेरी तो सारी चीज़ों पे जो है ना वो बिल्कुल इस वक्त इतनी नींद ख़राब हो रही है ना, बस चलो मैं सब कुछ ले लूँ। लेकिन एक चीज़ जाने से पहले मुझे बतानी थी कि हमने इनसे मजाक में सवाल किया था कि बारिश में ख़राब तो नहीं हो जाएंगी, तो उन्होंने रिंग पहनी भी थी, ख़राब नहीं हुई थी। इस पर ये लोग एक कोई कोटिंग होती है लेकर लेकर उसका लेकर। कोई लेकर लेकर का जो है वो उस पर स्प्रे किया जाता है ताकि वो इंटैक्ट रहे। सो बहुत बहुत शुक्रिया इस सेगमेंट को देखने का, एंजॉय करने का। और बच्चों, आपका भी अगेन बहुत बहुत शुक्रिया।
अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल के शो में एक नई किसी टॉपिक के साथ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।